क्या आप भी iPad Pro Max स्मार्ट वॉच परचेज करने की सोच रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ। सो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ iPad Pro Max का 1 month का यूजेज रिव्यू। अच्छा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है समरिया, चलिए फाइनली कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस लास्ट 1 month में मैंने इस स्मार्ट वॉच को वियर करके बहुत सारी ट्रैवलिंग की, उसी के साथ इसको वियर करके मैं विलेज भी गया था। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता होगा कि आज वॉच की पोजीशन एंड सिचुएशन क्या है, वॉच के आउटर बॉडी पर क्या कुछ स्क्रैचेस पड़े या फिर नहीं। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वॉच के इस पोस्चर पर हमें किसी भी टाइप के स्क्रैचेस देखने को नहीं मिल रहे। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक सेंसर्स ग्लास फ्रेम देखने को मिलती है, उसी के साथ यहाँ पर भी मुझे किसी भी टाइप के स्क्रैचेस या मार्क्स वगैरह देखने को नहीं मिले, जो कि एक काफी अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस स्मार्ट वॉच में हमें 1.8 इंचेस की एक बिग डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसी के साथ सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि यार वियर करने पर ये स्मार्ट वॉच आज कैसी लग रही है। सो मैं आपको शो करता हूं कि वियर करने पर मेरा एक्सपीरियंस और पर्सनली देखने में ये वॉच कैसी लगती है जब आप इसको वियर करते हो। गाइज ऑलमोस्ट वियर करने पर यह स्मार्ट वॉच आपको कुछ इस टाइप की लुकिंग प्रोवाइड करने वाली है। उसी के साथ बात कर ली जाए इसके फिटनेस की तो वो भी काफी अच्छी है आपके हैंड के साथ। और इस प्राइस सेगमेंट में सबसे खास चीज है इसकी डिस्प्ले। आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त लगती है इसकी डिस्प्ले आउटसाइड में, बट इन लास्ट 1 month में एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो है इसके स्ट्रैप्स ने। बिकॉज जब मैं इन स्ट्रैप्स को अपनी स्मार्ट वॉच के साथ फेच करता हूँ तो ये स्मूथली लग जाते हैं एंड स्मूथली निकल जाते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है। बिकॉज थोड़ी बहुत टाइटनेस तो फील होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके स्ट्रैप्स बार बार आपकी स्मार्ट वॉच से निकल जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस स्मार्ट वॉच में हमें एक यूनिक टाइप का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। इन लास्ट 1 month में मैंने इस चार्जिंग केबल को बहुत बार यूज किया होगा, बट इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हो आज भी इसकी वायर में और इसके कॉर्नर्स पर किसी भी टाइप का इशू नहीं आया। और सबसे खास बात इन लास्ट 1 month में ये स्मार्ट वॉच 2 से 3 बार चार्जिंग के टाइम गिर गई थी, बट इस चार्जिंग केबल ने उसे सेव कर लिया, सो इसके लिए लाइक जरूर कर देना। उसी के साथ वॉच में सबसे मेन होता है इसका बैटरी बैकअप, जिसके लिए मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को लास्ट 2 days से बिल्कुल चार्ज नहीं किया और लास्ट 2 days पहले मैंने इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करके छोड़ दिया था। अब देखते हैं कि आज की डेट में क्या ये स्मार्ट वॉच फुल चार्ज है या फिर नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 days ऑफ होने के बाद भी ये स्मार्ट वॉच फुल्ली चार्ज है। गाइज इन लास्ट 1 month में मैंने ये नोटिस किया कि मैं दिन में ओनली 1 बार वॉच को चार्ज करता था एंड ओवरऑल जो बैटरी बैकअप मुझे वॉच प्रोवाइड कर रही थी वो थी 2 days की। बात कर ले जाए पीक सनलाइट में वॉच की डिस्प्ले की, सो यहाँ पर आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज जब भी आप इस स्मार्ट वॉच को पीक सनलाइट में वियर करोगे सो वॉच के अंदर का जो डेटा होगा वो आपको क्लियरली शो नहीं होगा, बट अगर आप मेट्रो या बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो सो उस टाइम आपको किसी भी टाइप का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा डिस्प्ले के रिगार्डिंग। ओवरऑल पीक सनलाइट में ही थोड़ा बहुत इशू आता है, बाकी बात की जाए इसके ओवरऑल डिस्प्ले की सो वो मुझे बेटर लगी। देन चलिए बात करते हैं वॉच के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो है इसका टच रिस्पॉन्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब भी हम कोई न्यू स्मार्टफोन परचेज करते हैं सो स्टार्टिंग में वो बहुत बढ़िया चलता है, देन 2 से 3 month के बाद वो लैग होने लगता है एंड अपनी औकात दिखा देता है। अच्छा। बट सबसे खास बात इस स्मार्ट वॉच में मुझे अभी तक किसी भी टाइप का टच रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिला, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और गाइज इस प्राइस सेगमेंट में हमें इस स्मार्ट वॉच में वेकअप गेस्चर का एक फीचर मिल जाता है, जो कि हैंडलिंग नेम से इस स्मार्ट वॉच में मेंशनड है। बट इस फीचर को यूज करते हुए मैंने एक चीज को नोटिस किया कि यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड का डिले देखने को मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली गाइज मैंने इसके अंदर अपना हैंड इन्वॉल्व नहीं किया, हो सकता है उस वजह से ये स्मार्ट वॉच थोड़ा डिले ले रही हो 2 से 3 सेकंड का। बट ओवरऑल अगर आप अपना हैंड इन्वॉल्व करोगे सो ये फीचर आप इजिली यूज कर सकते हो बिना किसी इशू के। और अगर बात कर ली जाए वॉच में क्राउन वर्किंग की, सो आज भी क्राउन बहुत इजीली वर्क कर रहा है एंड जो स्मूथनेस होती है क्राउन को यूज करने के टाइम वो भी मिल रही है एंड एप्लीकेशन को कंटीन्यूअसली ऑन करने के बाद भी किसी भी टाइप का इशू अभी तक मुझे फेस करने को नहीं मिला, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। और अगर मैं वॉच की डिस्प्ले को चारों कॉर्नर से देखता हूँ सो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिलता है कि वॉच की जो डिस्प्ले है वो टोटली फ्लैट है, उसी के साथ वॉच में जितने भी कलर्स है वो भी काफी परफेक्टली शो हो रहे हैं। और एक चीज मुझे बिल्कुल खराब लगी कि
आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब अगर बात की जाए वॉच की कनेक्टिविटी की, सो किसी भी टाइप का इशू देखने को नहीं मिला। उसी के साथ एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस आ रखे हैं एंड वो सभी मेरी स्मार्ट वॉच में विद आइकन शो हो रही हैं। बट आप रिप्लाई नहीं कर सकते, ओनली जो नोटिफिकेशन आई है उनको रीड कर सकते हो। उसी के साथ जो भी मैसेजेस आए होंगे आपके पास वो सभी रीड कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम फैमिली ज्वाइन करना चाहते हो, सो टॉप कॉर्नर पर मैंने आपको यूजर नेम प्रोवाइड करा दिया है, सो वहां से आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे एंड से आपको 110% फॉलो बैक भी मिलेगा, सो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लो। सो फाइनली लास्ट मंथ के ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मुझे इस स्मार्ट वॉच में किसी भी टाइप का कनेक्टिविटी इशू अभी तक देखने को नहीं मिला। सो कनेक्टिविटी में मुझे ये स्मार्ट वॉच बेस्ट लगी। बट पर्सनली गाइज एक चीज ने मुझे सबसे डिसअपॉइंट किया है, वो है कस्टमाइज वॉलपेपर की प्रॉब्लम ने। बिकॉज वॉलपेपर तो लग जाता है बट ओवरऑल वॉलपेपर की जो क्वालिटी होती है वो भाई पूरी फट जाती है, आप लोग देख सकते हो। अब कमेंट बॉक्स में कुछ लोग प्राइस का रोना रोएंगे, सो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भाई प्राइस तो भले ही कितना भी हो लेकिन भाई थोड़ी बहुत तो क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ना। और अगर आपको ये पॉइंट वैलिड लगा हो सो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना एंड उसी के साथ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फाइनली अब आता है वॉच का सबसे मेन सेगमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच परचेस करनी चाहिए या फिर नहीं। गाइज मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहूंगा कि ये एक बजटेड स्मार्ट वॉच है सो आप परचेस कर लो। i8 Pro Max स्मार्ट वॉच को परचेस करने से पहले आप ये देखो कि अंडर 1000 के प्राइस सेगमेंट में मार्केट में कोई ब्रांडेड स्मार्ट वॉच अवेलेबल है या फिर नहीं। देन अगर आपको कोई स्मार्ट वॉच अवेलेबल मिलती है सो सबसे पहले आप उस स्मार्ट वॉच का i8 के साथ कंपैरिजन करना, देन उसके बाद जो भी सॉल्यूशन मिले उसके बाद स्मार्ट वॉच को परचेस कर लेना।